बीजेपी 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। इस मौके पर न्यूज वर्ल्ड के संवाददाता सनी मालवी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बात की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का ये प्रशिक्षण था? देखिए, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रशिक्षण की एक व्यवस्था हमेशा से रहती है, और इसलिए पार्टी में एक नई व्यवस्था, जब हमारे अध्यक्षों का निर्वाचन होता है, कार्यकारिणी बनती है, तो फिर नए लोग जो कार्यकारिणी में आते हैं, उन सबके लिए पार्टी की व्यवस्था, पार्टी के विचारधारा, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करती है। कांग्रेस से जो साथी लोग बीजेपी में आए, उनके लिए क्या चुनौती होगी प्रशिक्षण? सभी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए, सबके लिए व्यवस्था है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सबके लिए। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है, कोई संबंध नहीं। जब आएंगे चुनाव, देखेंगे उस समय की वहाँ की क्या परिस्थिति बनती है, परंतु आज इस प्रकार का कोई विषय नहीं, आज केवल प्रशिक्षण के बारे में बातचीत। सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। देखिए, सरकारें तय करेंगी, राज्य सरकारों को निर्णय करना है किस प्रकार के कानून की व्यवस्था होगी, उसकी सारे कंडीशंस के एक्ट के बारे में, और उस आधार पर कानून बनाएंगे, और इसलिए आज इसके बारे में कहना उपयुक्त नहीं है। जब समय आएगा तो मुझे लगता है पता चलेगा कि किस प्रकार का एक्ट बनेगा। पूरा जो कंसाना, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आपने पार्टी पर ठिकरा फोड़ा कि कुछ नेताओं ने गद्दारी की है और मेरे पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, और इसलिए चुनाव में हार जीत होना एक अलग विषय होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों में से 19 सीट जीत करके आई है, और विकास के नाम पर हमने लोगों से वोट मांगा है, यही सबसे बड़ा हमारा आधार है, और इसलिए जनता के लिए हमने काम किया, उसको हमने जनता के सामने इन सारे विषयों को रखा, और जनता ने विश्वास किया पार्टी पर, और इसके कारण वोट दिया जनता। सिंधिया जी का अच्छा प्रभाव माना जाता था ग्वालियर में, चंबल में 16 सीटों पर, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी जीती। देखिए, परिस्थितियां क्या है, वहां के क्या विषय हो सकते हैं, क्या कारण है, वो तो समय चला गया, जो होना था फैसला हो गया, परंतु राजनीति में एरिया, कौन सा क्षेत्र, किस प्रकार के एरिया है, उसका आकलन करना आज संभव नहीं। जरूर इसके बारे में हम लोग बैठेंगे तो विचार करेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनसे हमने बातचीत की है अनेक मुद्दे को लेकर। कैमरामैन अंकित के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।